जी आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे अपनी ज़बान क्लास 8 मज़मून मेरा पसंदीदा खेल फुटबॉल। फुटबॉल पर आपको लिखने के लिए आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? बचपन में मैंने बहुत से खेल खेले लेकिन मुझे फुटबॉल का खेल सबसे ज़्यादा पसंद आया। शुरू में मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया लेकिन इस खेल में मुसलसल हरकत नहीं, मुझे इसमें फुटबॉल के मुकाबले आधा लुत्फ भी हासिल हुआ। क्रिकेट के खेल में बहुत वक्त सर्फ होता है, मेरे ख्याल में ये खेल तालिब इल्मों के लिए मौजू नहीं। फिर दूसरी बात यह कि एक महंगा खेल है, इसका साज सामान बहुत कीमत में आता है। फिर मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया, थोड़े दिनों बाद अंदाज़ हुआ कि वाकई लोग सच कहते हैं ये लड़कियों का खेल है। ये इस कदर आसान है कि वक्त गुजारी का जरिया तो कहा जा सकता है लेकिन खेल किसी वर्जिश व मेहनत नहीं। टेनिस अलबत्ता एक अच्छा खेल है मगर क्रिकेट की तरह ये भी महंगा खेल। बचपन में मैंने देहाती खेलों में दिलचस्पी ली, वहाँ कबड्डी खेल कर देखी, उसकी याद अब भी मेरे दिमाग में ताज़ा है। वाकई दिलचस्प खेल है, इसमें खेलने वाले को ना सिर्फ होशियार रहना पड़ता है बल्कि इसको अपने बचाव के तरीके भी खुद इख्तियार करने होते हैं। कबड्डी में एक खिलाड़ी को मुखालिफ पार्टी के 6 खिलाड़ी घेर लेते हैं तो उसको आज़ाद होना और महफूज अपनी सरहद में वापस आने के लिए ना सिर्फ पूरी जिस्मानी ताकत सर्फ करनी पड़ती बल्कि दिमाग भी काम। इस किस्म के खेल पुराने ज़माने में बहुत पसंद किए जाते थे। इन खेलों में कोई खर्च होता है, ये इसकी बड़ी खूबी है। लेकिन ये खेल आमतौर पर शहरों में कम खेले जाते हैं और चूंकि मैं शहर में रहता हूँ इसलिए मुझे फुटबॉल में बड़ा लुत्फ आता है। जब सब खिलाड़ी मुत्तहिद होकर एक ही मकसद के हासिल करने की कोशिश करते हैं उस और उन कोशिश का एक कायदा पाबंद होता है, इसी तरह खेलने वालों में यकजहती और सुर की पाबंदी की आदत। फुटबॉल में मुस्तैद रहना, तेज़ी से फैसला करके उस पर अमल करना और मौके से फ़ायदा उठाने का सलीका। रेफरी की सीटी की आवाज़ एकदम रुक जाने की आदत से नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है और ज़रा सोचिए एक लम्हे की खुशी को जब गोल हो जाता है और टीम खुशी खुशी ट्रॉफी ले जाती है और सबसे बड़ी बात यह कि हारने वाली टीम कितनी खुंदा पेशानी से शिकस्त कबूल करती है। फुटबॉल के खेल के ऊपर एक एतराज़ ये है कि इसमें हादसात बहुत होते हैं लेकिन अब बेजाब्ता खेलने दूसरे खिलाड़ी को धकेल कर गिराया कर या गिराने गेंद छीन लेने वाली नहायत सख्त कानून बन गए हैं। जब ये खेल को सही जज्बे के साथ फुटबॉल खेला जाता है तो हादसात के इम्कान है। इस खेल की खूबी है कि इसके खेलने के लिए कम वक्त लगता है, क्रिकेट में वनडे मैच हो या टेस्ट हो खेल के मुकाबले ज़्यादा वक्त सर्फ होता है, इसीलिए क्रिकेट मकबूलियत के बावजूद आज भी बेशतर ममालिक में पसंदीदा मुकाबले फुटबॉल पसंदीदा खेल है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। शुक्रिया।